हे गाइस, वेलकम टू चैनल। तो आज मैं दिखा रही हूँ हेयर कट होम, और मैं आज फेदर कट और फ्लावर कट एक साथ बनाने वाली हूँ। तो पहले आपको कानों के बीचों से ऐसे दो पार्ट में बाल को डिवाइड करना पड़ेगा, और पीछे की तरफ जो बाल है उसको आप एक रबर बैंड से या फिर क्लिप से आप उसको सिक्योर कर दीजिएगा। सामने की तरफ जो बाल है उसको आप थोड़ा सा इस तरह से गीला कर लीजिए, और पूरा सामने की तरफ कोम कीजिए और अपना एक लेंथ मेंटेन कीजिए। मैं अपनी दीदी के हेयर कट कर रही थी तो उसको बाल एकदम ही छोटा नहीं करना था, तो मैंने कोई भी छोटा कटिंग नहीं किया। तो आप इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, लॉन्ग रख के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लॉन्ग रख के ही इसको कटिंग किया है। तो यहाँ पर एक गाइडलाइंस मुझे बनाना है, और चिन के नीचे मैंने एक गाइडलाइंस बना के पहले कटिंग किया है इसका बराबर। डिवाइड करके दोनों तरफ से डिवाइड करके बीच में से बाल लेके मैं इसको कटिंग करूँगी। सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी कटिंग करें कोम अच्छे से करें, और आगे भी आप देखते रहिए तो मैं टिप्स देते जाऊँगी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको अगर कटिंग घर में करना है तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हेयर को आप दोनों तरफ से डिवाइड कर लीजिए, और एक ही गाइडलाइंस लेके आपको पूरी हेयर को आपको इसी लेंथ में रख के सामने करके, पूरा बाल को सामने करके। पहले तो मैं सामने के जो पार्ट है दो डिवाइड जो किया है उसको मिला के मैं इसी लेंथ के बराबर कटिंग करूँगी। तो आप देखते जाइए वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करके कटिंग करना है। तो आगे कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। बस आपको इसी लेंथ को गाइडलाइंस बना के अच्छा करके कॉम करके आपको इस तरह से कटिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करके थोड़ा थोड़ा हटा के आपको इसी लेंथ को मेंटेन करके आगे की दो पार्ट जो है मैं कटिंग पहले कर लूंगी। कटिंग हो गया है। अब दूसरे पार्ट को मैंने जो डिवाइड करके थोड़ा सा कटिंग करके रखा था उसी गाइडलाइंस लेके मैं सामने की तरफ जो फ्रंट पार्ट में दूसरी पार्ट है उसको भी मैं पूरा फुल कटिंग कर लूँगी। जो सेकंड पार्ट था वो भी मेरा कटिंग यहाँ पर हो गया है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए आप एक बार इसको फुल एक बार चेक करने के लिए एक बार मिला सकते हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। पीछे की तरफ जो बाल मैंने सिक्योर किया था उसको खोल के थोड़ा थोड़ा लेके उसको आगे तक की तरफ अच्छे से कोम करके आपको वही गाइडलाइंस को मिला के आपको इस तरह से कटिंग करना है। आप देखते चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीछे से हम थोड़ा थोड़ा करके बाल ले रहे हैं और उसको आगे की तरफ कोम करके उसी लेंथ में मिला के गाइडलाइंस मिला के मैं कटिंग करूँगी। फुल कटिंग ऐसे ही होगा, मतलब पार्ट जो है पीछे के पार्ट सिर्फ आगे आएगा और उसको कटिंग करना पड़ेगा आपको।
मैं थोड़ा थोड़ा करके पार्ट करके ले रही हूँ और उसके आगे की तरफ उसको लेके अच्छे से कोम करके कटिंग कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात, जब भी आप कटिंग करें तो बाल आपको ड्राई नहीं होना चाहिए और जो कोम करते हैं वो बहुत अच्छे से कोम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जहाँ से मैं ये कोम और जो यहाँ पर कटिंग करने वाला जो भी सारा हेयर कटिंग के लिए जो सारा इक्विपमेंट्स होता है मैं वो मीशो से लिया हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आपको भी अगर चाहिए, क्योंकि कोम बहुत पतला होगा तो ही आपका अच्छा कटिंग होगा और आप जिससे कटिंग करें उसका इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए तो कटिंग आपका अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, पूरे बाल को मेरा कटिंग हो गया, मैंने सामने की तरफ पूरा बाल को अच्छे से कोम किया है और अब मैं बराबर इसको मिलाने के लिए, ताकि मेरा कटिंग ठीक है कि नहीं, तो मैं इसको मिला रही हूँ। तो इस तरह से आपको मिलाना पड़ेगा, चेक भी कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपका अच्छे से बाल कटिंग हुआ है कि नहीं। करना था मैं ये कर चुकी हूँ। अब पूरा पाल को मैं करूँगी पीछे की तरफ को, और पीछे की तरफ भी मुझे जो इक्वल्स नहीं लगेगा उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करूँगी। तो पीछे ऐसे आपका छूट जाएगा तो भी आप पीछे की तरफ इस तरह से कोम करके कटिंग करेंगे। और इसके बाद मैं करूँगी फ्लावर कट। तो फ्लावर कट आप देखते जाइए, फ्लावर कट भी बहुत ईजी है, वह बहुत एक अच्छा लुक देता है फ्लावर कट में। तो ये पीछे हो जाने के बाद मैं फ्लावर कट स्टार्ट करूँगी। कंप्लीट हो चुका है, अब मैं फ्लावर कट करने के लिए पार्ट में डिवाइड करूँगी, दो पार्ट तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले लूँगी एक जो आप हाफ बाल को क्लैचर लगाते जैसे, वैसे इसी तरह से कि आपको बाल को लेना पड़ेगा और इसका एज में जाके आपको फ्लावर जैसे एक बनाना पड़ेगा, इस तरीके से फ्लावर जैसा बनाना पड़ेगा बीच गोल करके और पूरा राउंड करके इसका कटिंग कर देना पड़ेगा। तो इसे फ्लावर कट बोलते हैं, बहुत ईजी है, बहुत एक अच्छा आपका लुक देता है। पीछे से जो बड़ा बाल रखना चाहते हैं और जो क्लैचर ज़्यादा तक लगाता है, जैसे हम लोग कभी वेडिंग में जाते हैं तो क्लैचर सिर्फ लगाते हैं तो हाफ पॉनिटेल करते हैं, तो उसके लिए फ्लावर कट बहुत खूबसूरत एक लुक देता है। तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा, आप इसको दो बार तो ज़रूरी करना है, एक बार हाफ और एक बार फुल, और अगर आप चाहो तो तीन बार भी कर सकते हो। अगर आपका सामने का फ्रंट का हेयर छोटा है तो आप तीन बार भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं पीछे का बाल पूरा लेके फ्लावर बना के इसको फ्लावर जैसे कटिंग कर दूंगी, बहुत इजी है। छोटा सा एक पॉनिटेल बना के, हाफ पॉनिटेल बना के इसको फ्लावर कट करूँगी। आप आगे भी लेयर कट अगर देखना चाहते हैं तो मैं उसको भी वीडियो बना दूँगी। आगे का लेयर कट मैंने नहीं काटा है क्योंकि दीदी को फ्रंट में कुछ कटिंग नहीं करना था तो मैंने नहीं किया, तो आगे वाला मेरा छोटा होगा। अगर आप अगर आगे फ्रंट में कटिंग करते तो ये थोड़ा सा फ्लावर आपका बड़ा होगा, लेकिन मेरा छोटा हुआ है क्योंकि आगे के बाल दीदी का छोटा नहीं था बोल के। तो ये कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप लोग भी देखिए पीछे से बहुत खूबसूरत लगता है ये, और ज़रूर अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ज़्यादा कुछ भी अगर आपको बताना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई करूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।